एक ट्रिप भी आ रहा है, उसके बारे में भी मैं आपको सारा बताऊंगी, वो भी एक बड़ा जबरदस्त सा, हम जो है वो एक जगह जा रहे हैं, है ना, फाइनली। तो वो भी आप देखिएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, वो भी आपको सारी की सारी डे बाय डे, अब जो है ना वो इंशाल्लाह हम जिंदा हुई हूँ मैं दोबारा से काम से, आई एम बैक विद द एनर्जी जी। तो ऑलमोस्ट मेरी जो है वो पैकिंग हो चुकी है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। और ये मेरा सारा स्टफ मैंने निकाल के रख लिया कि मैंने कौन कौन सा जो है स्टफ लेके जाना है। ये मेरी फाउंडेशन हो गई, मेरा विश फुल चला गया, ये मेरा हाइलाइटर चला गया, और ये मेरी छोटी छोटी मेकअप किट्स चली गई, मेरा ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम जो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दिया था, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखती हूँ, ब्राउनर चला गया, मस्कारा चला गया, और हीट प्रोटेक्टर चला गया, और मेरे लेंस का पानी। और अब ये डब्बा बंद कैसे होगा इसका मुझे देखना पड़ेगा। और पैकिंग ऑलमोस्ट मैंने सारी कर ली थी, ये देखिए मैंने बाहर सारा रखा हुआ है, ये देखिए सारा स्टफ जो है अब इस बैगों में जा चुका है। लास्ट थोड़े से कपड़े जो हैं वो स्टीम आयरन होने वाले रह गए, बस ये करके जो है फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। बज रहे हैं क्या? चार बज रही है, क्योंकि हमने निकलना है इंशाल्लाह सुबह 5 बजे के टाइम पे, क्योंकि काशिफ को बड़ा पसंद है कि सुबह सुबह की ड्राइव होना, तो एक वो बड़ा फ्रेश सा लगता है। तो बस फजर की नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह हम जो है ना वो निकलेंगे। हैंडबैग चेंज कर रही हूँ, मैंने ये छोटा सा एक हैंडबैग लिया था, बड़ा क्यूट सा है, मिनी सू से, और इसकी बड़ी प्यारी कैपेसिटी है और बड़ा अच्छा। ये ग्लासेस नहीं दी उन्होंने साथ? हाँ ये ग्लासेस जो है वो मेरी कुमी कब से इसी के अंदर रखी हुई है ना, बस ये ग्लासेस और ये बस पुराना सारा स्टफ जो है ना व्हाट्स इन माय वॉलेट के बगैर तो आप देखें बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा कैरी कर लेगा है ना, अच्छा सामान स्टफ कैरी कर लेगा। और ये जस्ट 1200 में मैंने लिया है मिनी सू से, बहुत प्यारा मुझे लगा, और खुला खुला सा जो है ना ये सारा स्टफ आ जाएगा। चलो ठीक है, बस बेटे जल्दी करो तैयारी शुरू करें, अभी कपड़े भी जो है ना वो ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं। कोमी नेल पेंट लगाना है तुमने एंड टाइम पे, मुझे ना कहना, अभी बिल्कुल जो है ना आधा घंटा है तुम्हारे पास, पेंट लगाने के लिए कोई टाइम नहीं ना चाहिए, जल्दी जल्दी नेल पेंट लगाओ और बस निकले अल्लाह का नाम लेकर पहले, लेकिन नमाज पढ़ लो ना, फिर उसके बाद लगाना नेल पेंट, वजू करके तो फिर कर। ये तो हर घर की स्टोरी है, जब कहीं जाना है तो सारी पैकिंग जो है वो मामा के ऊपर होती है। तो बस यही फाइनल टचेस थे कि कपड़े कौन से पहन के जाने, और फिर हम निकल पड़े लाहौर के लिए। और देखें कितनी खूबसूरत माशाल्लाह से सुबह हो रही है, और मोटरवे कितनी खूबसूरत लग रही है। मुझे तो सुबह सुबह का सफ़र जो है वो बहुत अच्छा लगता है, और कितना फ्रेश फ्रेश सा इंसान फील करता है कि आप सुबह सुबह उठें और एक लॉन्ग सी मज़ेदार सी ड्राइव पे जाएं, और ख़ास तौर पर अगर आप मोटरवे से जा रहे हो तो और भी ज़्यादा जो है वो अच्छा और इन्जॉयमेंट लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, प्यारे प्यारे से पेड़ पौधे और दरख्त। और वो देखें कौवा जो है वो सड़क क्रॉस कर रहा था, इतनी लो फ्लाइट में ये सारे कौवे जो है ना वो सड़कें क्रॉस कर रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कि हमारी गाड़ी इनको हिट ना कर ले। और साथ साथ हमारा खाना पीना चल रहा है, और मैंने बड़ा सा थर्मस जो है वो चाय का बना के रखा था, और मैं साथ साथ ड्राइवर को भी जो है चाय शाय पिला रही थी अपने। तो बस, और ये देखें जी दोनों सोए हुए हैं। जी तो फाइनली हम मोटरवे से उतर चुके हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो वाइब्स आ रही हैं, और मुझे तो अभी से जो है ना वो हवा में खुशबुएँ जो है वो गर्मा गर्म मज़ेदार से नाश्ते की आ रही हैं, क्योंकि लाहौर का नाश्ता तो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो देखते हैं कि क्या मूड बनता है, क्या खाएंगे। वैसे मेरा जो प्लान है वो तो हलवा पूड़ी खाने का ही है, तो चलते हैं किसी मज़ेदार सी हलवा पूड़ी की शॉप पे। जी तो पहुंच चुके हैं हम अपनी फेवरेट हलवा पूड़ी की शॉप पे, जिसपे हम हमेशा जो है वो पहले यहाँ से नाश्ता करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपने होटल में जाते हैं। तो देखें जी कैसे मज़ेदार मज़ेदार किस्म की जो है वो पूड़ियाँ शुड़ियाँ तैयार हो रही हैं, और ये देखें जी चिकन पूड़े फ्राई हो रहे हैं, और ना जाने क्या क्या खूबसूरत किस्म की जो है वो यहाँ पर डिशेज़ मौजूद थी, और परफेक्शन तो जो है वो एंड है यहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से खाना, तो कभी आप जब यहाँ पर आएँ तो यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुनिया में इंसान कहीं पे भी चला जाए, लेकिन जो देसी फूड और देसी नाश्ता है ना उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप जितना मर्जी जो है वो ब्रेड जैम खा लें, वॉफल्स खा लें, पैनकेक्स खा लें, लेकिन जो मज़ा आपको हलवा पूड़ी खा के आएगा ना,
स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो वो कहीं नहीं है। और साथ में अगर आपको जो है वो लस्सी मिल जाए, लेकिन मैं ज़्यादा लस्सी की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मुझे टेस्ट करने को हमेशा कहा जाता है कि थोड़ी सी तो पी लो, थोड़ी सी तो पी लो। और ये देखें जी, हमारा गर्मा गर्म मज़ेदार सा नाश्ता आ चुका था, और चेक करें क्रिस्प और खूबसूरती। बड़े दिनों बाद एक ज़बरदस्त सा नाश्ता करके जो है वो बड़ा ही सुकून मिला, और हम तो खूब इंजॉय करके जो है वो अपना फूड खा रहे थे। लाहौर का वेदर जो है ना वो पिंडी इस्लामाबाद के वेदर से काफ़ी चेंज है। हमें यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी फील हो रही थी, और ठंडी पेप्सी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और ये बहुत ही अच्छी सी एक हमें फैमिली मिली, और बहुत ही क्यूट सा बेबी से हम मिले जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा था। और फिर बस पहुँच गए अपने होटल में। एक दिन का स्टे था हमारा यहाँ पे, क्योंकि ये लोग जो हैं ज़िद करके दोनों अरसल और कोमल एक दिन पहले आ गए, और रिज़र्वेशन जो है हमारे दूसरे होटल की जो है वो फ्राइडे से स्टार्ट हो रही थी, तो फिर हमने सोचा कि हम यहाँ पे रुक लेते हैं। रूम सर्विस कौन है आप? हमें नहीं चाहिए जाए। नहीं नहीं हम देंगे। हमें नहीं चाहिए। जी तो बहुत ही मज़े का हमारा सफ़र रहा, और बस आके एक घंटा से सो लिए। और ये देखे जी, कोमी जो है वो तैयार हो गया है, सारा स्टफ़ वगैरह अभी मैंने जो है ना वो सारा रूम में लगा दिया। वो देखे एक आदमी बैठा हुआ है, और ये मैंने कोमी के लिए मंगवाई है बाजार से क्लब सैंडविच, यू लाइक इट। और मैं ब्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, और आपने वीडियो को करना है लाइक, और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लग रहा है मेरा लाहौर का टूर, और आपकी बेस्ट फूड जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखिएगा कि मैं अब कहाँ जा रही हूँ। ओके बाय बाय, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। चाय, चलो भाई सैंडविच खाना शुरू करते हैं। और ये देखे जी मेरी चाय आ गई है।